वेलकम टू एकलव्यजीएस। मित्रों, आज हम भारत की प्रमुख झील भाग दो देखते हैं। तो इसमें आज देखते हैं जम्मू कश्मीर की झील के बारे में। श्रीनसर मानसर झील ये जम्मू में स्थित है। पहले डल झील को देखते हैं, श्रीनगर में स्थित है। यह शिकारा और हाउस बोट के लिए प्रसिद्ध है, मोस्ट है डल झील। इसके बाद श्रीनसर मानसर झील ये जम्मू में स्थित है। यह वनों से घिरी झील है जो जम्मू से लगभग 62 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह अर्धशुष्क पंजाब क्षेत्र में स्थित है। इसे 2005 में रामसर स्थल के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। उलर झील है, यह बांदीपुरा जिले में अवस्थित है। यह ताजे पानी की एशियाई झीलों में से एक है। यह भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। यह झेलम नदी की गोखुर झील है। यह विवर्धनिक गतिविधियों द्वारा निर्मित है। पक्षियों में यूरेशियन स्पैरो, हिमालयन यूनाल, गोल्डन ईगल यहाँ पाए जाते हैं। और इसको जो है 1990 में रामसर स्थल के रूप में मान्यता प्रदान की गई। आगे देखते हैं, होकेरा आर्द्रभूमि, ये कश्मीर में पड़ता है। यह ताजे पानी की दलदल भूमि है। यह जम्मू कश्मीर में झेलम नदी घाटी बेसिन में स्थित है। इसे 2005 में रामसर स्थल के रूप में मान्यता प्रदान की गई। यह पीर पंजाल पर्वत पदी क्षेत्र में अवस्थित है। आगे देखते हैं, अंचार झील श्रीनगर में अवस्थित है। यह डल झील के साथ आमिर खान नल्लाह नहर के माध्यम से जुड़ी हुई है। ये पूछा जा सकता है कि अंचार झील किस नहर के माध्यम से जुड़ी है, तो आमिर खान नल्लाह के माध्यम नहर के माध्यम से जुड़ी है। इसमें भी शिकारा नाव का प्रचालन होता है। यह कश्मीर की 3 झीलों में से एक है जो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अन्य झीलें हैं डल झील और नागिन झील। आगे देखते हैं, वेरीनाग झील, ये वेरीनाग अनंतनाग जिला में अवस्थित है। यह झील वेरीनाग झरने से बनी है जो झेलम नदी का उद्गम स्थल है। इसे सतीसार या पार्वती झील के नाम से भी जाना जाता है। इसके निकट ही मुगल गार्डन का निर्माण किया गया है। आगे देखते हैं कुछ लद्दाख की झीलें। पोंगोंग सो झील यह लद्दाख में अवस्थित है। यह लवणीय खारे पानी की झील है। विश्व में खारे पानी की सबसे ऊंचाई पर अवस्थित झील है ये। सो मोरीरी झील यह लद्दाख क्षेत्र में चांगघांग पठार पर अवस्थित है। इसे रामसर स्थल के रूप में 2002 में मान्यता प्रदान की गई है। यह ताजे पानी की झील है। और कर्नाटक की कुछ झीलों को देते हैं, बेलांदूर झील यह बेंगलुरु में स्थित है। औद्योगिक कचरे के कारण इस झील में कई बार आग लग चुकी है। अब केरल की कुछ झीलों को देखते हैं, अष्टमुड़ी झील या कोल्लम जिले में अवस्थित है। इसे रामसर स्थल के रूप में 2002 में मान्यता प्रदान की गई। इसके तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। यह विशिष्ट एस्चुरी तंत्र का एक उदाहरण है जो केरल का दूसरा सबसे बड़ा तंत्र है। मछली पकड़ने वाली नाव से रिसने वाले पेट्रोलियम से इसको पारिस्थितिक तंत्र को खतरा है और वेम्बनाद झील या कोट्टम, एर्नाकुलम और अलापुझा जिलों में विस्तारित है। ये पूछा जा सकता है केरल की कौन सी झील कोट्टायम, एर्नाकुलम और अलापुझा जिलों में विस्तारित है, तो वेम्बनाद झील है। यह भारत की सबसे लंबी झील है और यह केरल की सबसे बड़ी झील है। यहाँ पर नेहरू ट्रॉफी नौकायन प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इसे रामसर स्थल के रूप में 2002 में वेम्बनाद कोल आर्द्रभूमि के रूप में मान्यता प्रदान की गई। यह एस्चुरी तंत्र का उदाहरण है जिसमें 10 नदियों का जल प्रवाहित होता है। मानवीय गतिविधियों के कारण विनष्ट हुए वेम्बनाद झील के पारितंत्र को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। और देखते हैं आगे, सस्थाम कोटा झील या कोल्लम जिले में अवस्थित है। यह केरल के ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसे रामसर स्थल के रूप में 2002 में मान्यता प्रदान की गई। यहाँ पर धान एवं काजू खेती होती है। यहाँ पर बंदर, तितलियाँ, कैटफिश आदि प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। इसके जल में कावा बोरस नामक लार्वा पाया जाता है जो पानी को शुद्ध करता है। ये पूछा जा सकता है मित्रों कि कावा बोरस नामक लार्वा किस झील में पाया जाता है। ये सस्थाम कोटा झील जो है कि केरल में कोल्लम जिले में है। आगे देखते हैं, पेरियार झील ये इडुक्की जिले में अवस्थित है। यह पेरियार नदी पर मुल्ला पेरियार बांध का जलाशय किया गया है। यहीं पर पेरियार नेशनल पार्क अवस्थित है। मुल्ला पेरियार बांध का निर्माण मुल्लयार और पेरियार नदी के संगम पर किया गया है, जिसका उद्देश्य मदुरई क्षेत्र के जल आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। अब मध्य प्रदेश की कुछ झीलों को देखते हैं, भोजताल या भोपाल में स्थित है। यह भोपाल के लिए पीने के पानी का प्रमुख स्रोत है। यह मानव निर्मित जलाशय है।
जिसमें ऊपरी ताल का निर्माण 11वीं सदी में परमार राजा भोज द्वारा किया गया था। यह कोलंस नदी पर स्थित है। ये पूछा जा सकता है कि भोज ताल झील जो है किस नदी पर स्थित है, तो कोलंस नदी पर स्थित है। इसे 2002 में रामसर स्थल के रूप में मान्यता प्रदान की गई। आगे देखते हैं, तवा जलाशय यह इटारसी में अवस्थित है। यह सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क तथा बोरी वन्य जीव अभयारण्य के पश्चिमी सीमा बनाता है। यहाँ सिंचाई की सुविधा प्रदान करता है। इसका निर्माण तवा नदी पर किया गया। आगे देखते हैं, लाखा बंजारा झील इस सागर जिले में स्थित है। इसके नाम पर ही सागर जिले का नामकरण किया गया है। इसके निकट उदन शाह 17वीं शताब्दी में किले का निर्माण कराया था। आगे देखते हैं। धन्यवाद मित्रों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।